we are going to discuss the topic speed of mathematics subject. Now, what is time, distance and speed concept? So, for example, this is a girl, this is a boy, they are running from home to destination tree. Theek hai student? Kara in the picture above, the girl is going really fast. Student, dhyan se dekhiye, girl kaise aapki kar rahi hai run? Fast. He catches up and passes the boy. और ये इस बॉय से, इस बॉय को क्या कर गई है? पास कर गई है. इट मीन्स जो आपकी गर्ल है ये क्या है? शी इज रनिंग फास्ट. कह रहे कैन यू से हु इज स्लोअर? दोनों में स्टूडेंट कौन स्लोअर है? ऑब्वियस बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल. कैन यू से व्हाई इज द बॉय स्लोअर देन द गर्ल? कह रहा है कि व्हाई बॉय स्लोअर क्यों है गर्ल से? द बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल because the boy takes more time to cover the same distance. अब स्टूडेंट दोनों ने, boy and girl ने जो distance travel करना है home to this destination tree, for example ये same travel करना है. For example this distance is a 2 kilometer. ठीक है स्टूडेंट, boy ने भी 2 kilometer distance travel करना है, girl ने भी 2 kilometer distance travel करना है. But boy को ये 2 kilometer distance travel करने में time क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है. ज्यादा लग रहा है मीन्स बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल. बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल. सो वी कैन ऑल्सो से दैट स्पीड ऑफ बॉय इज लेस देन दैट ऑफ गर्ल. स्टूडेंट अब यहां पे टेक्निकल वर्ड कौन सा आ गया? स्पीड. क्या आ गया? स्पीड. सो बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल. सो वी कैन ऑल्सो से दैट स्पीड ऑफ बॉय इज लेस देन दैट ऑफ गर्ल बिकॉज बॉय टेक्स मोर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस एज बाय गर्ल. सो दैट्स व्हाई बॉय इज स्लोअर देन द गर्ल मीन्स स्पीड ऑफ बॉय इज लेस देन दैट ऑफ गर्ल. सो व्हेन ए पर्सन कवर्स ए गिवन डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम देन द पर्सन इज सेट टू बी इन मोशन. अब स्टूडेंट कोई पर्सन है किसी गिवन टाइम में कोई गिवन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मींस पर्सन इज इन मोशन. एंड द रेट, अब स्टूडेंट ये रेट आपका टेक्निकल वर्ड है, रेट विद विच ही और शी मूव्स इज कॉल्ड स्पीड. जिस रेट से कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्पीड. अब स्टूडेंट रेट का मतलब है कोई क्वांटिटी किसके साथ चेंज हो? टाइम के साथ. और यहां पर क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस आपका किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ. डिस्टेंस आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? स्पीड. क्या बोलते हैं? स्पीड. सो रेट का यहां पे क्या मतलब है कि कोई क्वांटिटी, अब यहां पे कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस. किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ. जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्पीड. क्या बोलते हैं? स्पीड. और स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स डिस्टेंस ओवर टाइम. दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मूला ऑफ स्पीड. सो कह रहा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. कह रहा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. अब सुन, डिस्टेंस के कौन कौन से यूनिट्स हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा. एंड टाइम के क्या यूनिट्स हैं? आवर, एच आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट, एम आई एन के साथ, सेकेंड, एस सी सी. सो दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड दीज आर टाइम एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड. अब स्टूडेंट स्पीड क्या है आपकी? स्पीड आपकी है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है स्टूडेंट. अब पहला यूनिट क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर. अगर स्टूडेंट आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है तो क्या यूनिट्स आ गए स्पीड के? किलोमीटर पर आवर. अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो स्टूडेंट क्या यूनिट्स आ गए आपके? मीटर पर सेकंड. और अगर आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड में है तो क्या यूनिट्स आ गए स्टूडेंट? 1 centimeter per second. ठीक है स्टूडेंट. सो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड. ठीक है स्टूडेंट. सो यूनिट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस डिटरमिन. सो टाइम से और डिस्टेंस के यूनिट से
हमें क्या पता चला स्पीड का यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज स्पीड इज देयर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हमें डिस्टेंस का और टाइम का यूनिट पता चल जाए तो हमें किसका यूनिट पता चल जाएगा, स्पीड का, ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है कन्वर्जेंस, अब ये हमें पता है स्टूडेंट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर। अब स्टूडेंट ये 1000 नीचे आ गया, सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। 1000 मीटर आपका क्या था 1 किलोमीटर, अप्लाई यूनिटरी मेथड, तो 1 मीटर क्या होगा स्टूडेंट 1/1, ये वाला 1000 कहाँ आ जाएगा नीचे 1/1000 किलोमीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो 1 आवर इज इक्वल टू कितने होते हैं स्टूडेंट 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होंगे स्टूडेंट 60 सेकेंड, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 आवर, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब स्टूडेंट मिनट को फिर से कन्वर्ट करो किसमें, सेकेंड्स में, इनटू 60 सेकेंड, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये रहा पहले 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट था, फिर से मिनट को किसमें कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, मीन्स फिर से 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स 6 × 6 = 36, और ये 2 जीरोज 3600 सेकेंड्स, सो 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 आवर। सो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हैं आपके 3600 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द कन्वर्जन्स। सो स्टूडेंट 1 सेकेंड कितना होगा, सो 60 × 60 सेकेंड्स स्टूडेंट, ये आपके क्या है 1 आवर, तो 1 सेकेंड कितना होगा अप्लाई यूनिटरी मेथड 1 ओवर, ये 60 × 60, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, सो ये क्या आ गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3600, सो 1/3600 सेकेंड्स, सॉरी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स, और 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर, ये कितना आ जाएगा 3600 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। अब कह रहा है चेंजिंग द स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, आपको स्टूडेंट स्पीड किसमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, आपने किसमें निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, कह रहा है कन्वर्जन फैक्टर निकालो कौन सा आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट, ये 90 आ गया, अब इस किलोमीटर को क्या बनाओ मीटर, तो क्या करेंगे 1000 मीटर, अब स्टूडेंट ये आवर है, आवर को सेकंड बनाओ क्या करेंगे 60 × 60 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट 90 किलोमीटर पर आवर 90 स्टूडेंट, ये किलोमीटर क्या आ गया 1000 मीटर, और स्टूडेंट आवर्स क्या आगे 60 × 60 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट ये आपका किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो चुका हुआ है इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। इसको इसके साथ कटिंग करो जीरो को, इसको इसके साथ कटिंग करो, 5 को कटो 5, ये आपका 2 कितना आ गया 2 5, और ये क्या आ गया 2 3। अब स्टूडेंट 3 × 6 ये कितने होंगे 18, सो 90 × 5/18 m/s। अब स्टूडेंट क्या था 90 किलोमीटर पर आवर था, और आ कितना गया 90 × 5/18 m/s। स्टूडेंट हमने क्या किया 1 किलोमीटर, आपने याद भी करना है ये 1 किलोमीटर पर आवर, स्टूडेंट कितना होता है 5/18 m/s, ये मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे कटिंग करो, ये कितना आ गया 18 5 5 × 5 कितना होगा 25 m/s, ठीक है स्टूडेंट। सो 90 किलोमीटर पर आवर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, क्या आंसर आ गया 25 m/s, ठीक है स्टूडेंट। फिर से एक बार देख लीजिए, हमारे पास हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, और हमने ये क्या फार्मूला ड्राइव कर लिया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल कितना आया
5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, आपने याद भी करना है 1 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 90 as it is as किलोमीटर, 1000 मीटर, और ये आवर्स नीचे है 60 × 60 seconds 1 आवर में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कटिंग कीजिए, जीरो के साथ जीरो कटिंग हो गई, दूसरी जीरो के साथ जीरो कटिंग हो गई, फिर स्टूडेंट टू के साथ कटेगा 5, और ये नीचे क्या आ गया 3, तो क्या आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ये 90 आपका एज इट इज एज ऐसे ही था। हमने क्या किया, इस 1 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड में, और क्या आया किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से कटिंग कीजिए स्टूडेंट, क्या आएगा 9 के साथ 9 × 10 = 90, 9 × 2 = 18, फिर से 2 के साथ 2 × 1 = 5, क्या आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। सो 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो 90 किलोमीटर पर आवर, सीधा 1 किलोमीटर पर आवर कितना होगा स्टूडेंट, 5/18 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, सो आपने एग्जाम में ये डायरेक्ट कन्वर्जन यूज करनी है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या किया हमने, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका, कह रहा है चेंजिंग द स्पीड गिवन इन मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड से क्या कन्वर्ट करना हमने किलोमीटर पर आवर में, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट इस मीटर को क्या बनाओ किलोमीटर, कैसे करेंगे 1000 के साथ क्या कर देंगे स्टूडेंट डिवाइड, तो ये क्या आ गया आपका किलोमीटर, और ये सेकेंड स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड का साइन आ गया 50 मीटर / सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, 50 मीटर पर सेकेंड, सो मीटर को किलोमीटर बनाया, क्या किया हमने 1000 के साथ डिवाइड किया, अब ये डिवीजन साइन ये नीचे वाला है ये वाला, और ये सेकेंड को, सेकेंड को स्टूडेंट किसमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अभी प्रूव कर चुके हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आता है 61/60 × 60 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आ गया 1/60 × 60 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इस डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, और ये जो इन्वर्स होता है ये क्या हो जाएगा, ये 1/60 × 60 क्या हो जाएगा इन्वर्स आपका 60 × 60। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक्स डिवाइड बाय वाई है, तो क्या करना है आपने एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/y। ठीक है स्टूडेंट, इस डिवीजन को किस में रिप्लेस कर दिया हमने मल्टीप्लाई में, और इस वाई को क्या कर दिया हमने इन्वर्स 1/y। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे डिवीजन थी, डिवीजन को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर दिया इनवर्स, 1/60 × 60 था उल्टा कर दो 60 × 60। अब स्टूडेंट क्या करो आप, इसको और इसको कटिंग करो, इसको और इसको कटिंग करो, फिर 2 × 5 = 2 × 3 × 6 कितना आ गया 18 × 5, ये 50 तो आपका एज इट इज एज ही है, ये क्या आ गया 18/5, और यूनिट्स क्या है स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर, और क्या आंसर आ गया 5/1 × 5 = 10, सो 80 किलोमीटर, 10 × 8 कितना आ गया, सॉरी 10 × 18 कितना आ गया स्टूडेंट 180 किलोमीटर पर आवर। सो 50 मीटर पर सेकंड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर पर आवर में, क्या आंसर आया 180 किलोमीटर पर आवर। सो 50 मीटर पर सेकंड था, तो ये क्या किया स्टूडेंट 50 ये रहा एज इट इज एज, हमने ऐसे लिखा हुआ है, अब ये 60 × 60 ये रहा, और ये 1000 नीचे ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, कटिंग कीजिए, जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, सेकंड जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, फिर आपका 2 × 5 और 2 × 3 क्या आ गया 3 × 6 = 18/5, तो क्या आ गया 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, क्या आप कन्वर्जन फैक्टर आ गए, क्या आपने याद करना है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना था 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड कितना है 18/5 किलोमीटर
पर आवर, ये आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट, दोनों उल्टे कर दो, ठीक है ना स्टूडेंट। 1 किलोमीटर पर आवर अगर 5/18 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये स्टूडेंट 18 उधर चला जाएगा और ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो क्या आ गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, 5 1 5 10 10 into 18 कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। सो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, हमने क्या किया 50 मीटर पर सेकेंड था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 के साथ, और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5, और ये आपका कितना आ गया 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। आपने याद भी करना है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो दीज आर द डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर्स टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सो कह रहा है फार्मूले को याद करने का क्या तरीका है, कह रहा है टू कन्वर्ट द स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, स्पीड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 के साथ, और अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर के साथ, तो किसको मल्टीप्लाई कर देना है, 18/5 के साथ, स्पीड को 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, आपने मीटर पर सेकंड में बनानी है, तो स्पीड को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 को, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स जो आपने याद भी रखनी है, प्रूव मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब स्टूडेंट स्पीड का क्या फार्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्टूडेंट ये टाइम ऊपर ले जाओ, क्या आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, आपका डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस क्या आया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और स्पीड क्या आया, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी, स्पीड। और स्टूडेंट टाइम क्या आया, ये आप टाइम ऊपर ले आओ और इस स्पीड को कहाँ ले आओ, नीचे, तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम अगर निकालना है तो ये टाइम को स्टूडेंट ऊपर ले आओ और स्पीड को कहाँ ले आओ, नीचे, तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द फार्मूलेज टू यूज इन द प्रॉब्लम्स। सो कह रहा है इफ वी नो एनी ऑफ टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स डिस्टेंस स्पीड टाइम, दो अगर गिवन हो तो तीसरा निकालना हो, तो आप डायरेक्टली इन रिलेशन से थर्ड वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हो। और स्टूडेंट तरीका क्या याद करने का, DST मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, डी स्ट्रीट, ठीक है स्टूडेंट। तरीका याद करने का, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है स्टूडेंट। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने फॉर्मूले याद करने हैं। अब कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड एंड टाइम। अब स्टूडेंट आपको स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट, और क्या दे रखा है, टाइम, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। स्पीड आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड, क्या निकालना है स्टूडेंट, डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब स्टूडेंट स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड की वैल्यू, टाइम कितनी है स्टूडेंट, 10 सेकेंड, यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर दो 10 सेकेंड्स। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 10, ये सेकेंड सेकेंड कट गए, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया स्टूडेंट, 400, और आंसर किस में आया, मीटर में, क्योंकि ये आपको
स्पीड किसमें दे रखी थी, मीटर पर सेकंड में, और टाइम सेकंड में दे रखा था। ख्याल रखना स्टूडेंट आपने, जो यूनिट्स दे रखे हो सेम यूनिट रखने। यहाँ पे टाइम सेकंड्स में था, तो यहाँ भी टाइम किसमें लेना है, सेकंड्स में। और आंसर किसमें आया स्टूडेंट, मीटर में, क्योंकि हमें स्पीड किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। तो आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू 400 मीटर। सो नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम। कह रहा कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस आपको डिस्टेंस दे रखा है स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना आपका 30 मीटर। स्पीड, स्पीड है आपकी 27 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डिस्टेंस किस में दे रखा है आपको, मीटर्स में, और स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। मैंने अभी क्या कहा कि जो यूनिट्स रखने हैं स्टूडेंट वो क्या रखने हैं, सेम। यहाँ पे यूनिट मीटर है और यहाँ पे यूनिट्स क्या हैं, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करो, सबसे पहले कन्वर्ट करो, क्या करो, कन्वर्ट करो। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो स्पीड आपको दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा था, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड है, तो स्टूडेंट 27 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 27 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, आपको ये स्पीड दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या टेक्निक सीखी थी, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कटेगा इसके साथ, कटा 6 के साथ, 6 आपका 9 के साथ, सॉरी क्या आ गया, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, और क्या आंसर आ गया आपका, 15/2। और यूनिट्स क्या आए, किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर पर सेकंड में, किसके साथ मल्टीप्लाई करके, 5/18 के साथ। 27 को 5/18 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। स्पीड आ गई स्टूडेंट हमारे पास 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने कन्वर्ट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, और स्पीड आ गई है, हमें निकालना क्या था, हमने निकालना था स्पीड दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, कह रहा है ए स्कूटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय स्कूटर इन हाउ मेनी टाइम, 4 मिनट्स। अब स्टूडेंट स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, 45 किलोमीटर पर आवर। पी स्टैंड्स फॉर पर आवर, 45 km/h पर का मतलब है स्टूडेंट ये डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, 45 किलोमीटर पी स्टैंड्स फॉर पर आवर। कह रहा डिस्टेंस निकालना है किस में, किलोमीटर्स में, इन हाउ मेनी टाइम्स, 4 मिनट्स। स्टूडेंट सबके यूनिट्स अलग अलग हैं, ध्यान से देखने हैं। स्पीड ऑफ स्कूटर 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 45 किलोमीटर था स्टूडेंट आपका। ठीक है, आप ऐसा करो, सीधा ही कर लो, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 45 × 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। हमने कहा निकालना है डिस्टेंस और टाइम किस में दे रखा है, मिनट्स में। अब ये आ गई आपकी स्पीड, स्पीड कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी, स्पीड आ गई आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, गिवन थी 4 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई स्टूडेंट, और टाइम, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 4 मिनट्स। आपने टाइम किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स में, तो इस 4 मिनट को भी क्या कर लो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 60 के साथ, ये आपका टाइम आ गया। हमने क्या निकालना, डिस्टेंस। अब स्टूडेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सबके यूनिट स्टूडेंट सेम आ गए। अब स्पीड क्या है, 4 × 5/18 किस में आ गई थी, मीटर पर सेकंड में। और स्टूडेंट टाइम किस में आया है, 4 × 4 मिनट्स था, 4 ×
60 क्या आ गया सेकंड, ये भी स्पीड सेकंड में है मीटर पर सेकंड, और ये टाइम भी किस में आ गया सेकंड्स में। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, ये आपका 6 3 18 6 10 60, ठीक है स्टूडेंट, और ये सेकंड के साथ सेकंड कट गए, और आंसर आपका किस में आएगा मीटर्स में, किस में आएगा मीटर्स में, ठीक है स्टूडेंट। 4 × 5 × 4 × 10 / 3 और आंसर किस में आएगा मीटर में। अब स्टूडेंट किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया था आपकी स्पीड, हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया हुआ है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 मीटर पर सेकंड बनाया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था स्टूडेंट 4 मिनट्स, मिनट्स को किस में बनाया सेकंड में, और ये आंसर आपका किस में आएगा मीटर्स में, ठीक है स्टूडेंट। 45 × 5/18 × 4 × 60, ठीक है स्टूडेंट, और ये किस में आया मीटर में। अब इसको मीटर में किलोमीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 1000 के साथ डिवाइड कर दो, ये 1000 के साथ आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा किलोमीटर में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 3 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन 300 मीटर्स लॉन्ग हैज स्पीड, कितनी स्पीड है स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड की, ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर्स और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल को वो ट्रेन कितने टाइम में पास करेगी, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपकी ये ट्रेन आ गई, ये ट्रेन है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोल आ गया, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है ये मूव कर रही है, कह रहा है ये पोल को ट्रेन कितने टाइम में कवर करेगी। अब स्टूडेंट ये जो लेंथ है डिस्टेंस है, जब ये पूरा कवर करेगी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कौन सा करेगी ट्रेन, जितनी इस ट्रेन की लेंथ होगी, जितनी इस ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करेगी इस पोल को पास करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे अब क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्टूडेंट पहले कन्वर्जन देख लीजिए, यहां पे यूनिट क्या मीटर पर सेकंड और यहां भी क्या मीटर, इसका मतलब यहां पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यूनिट हमें सेम यूनिट दे रखे हैं। अब स्पीड क्या स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे अब क्या आनी है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ट्रेन ने पोल को पार करने के लिए, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन है, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है स्टूडेंट 300 मीटर, कितनी है 300 मीटर। तो ये 300 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई, मीन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल, ओवर क्या निकालना स्टूडेंट हमने, टाइम कितना लगा। अब स्टूडेंट ये टाइम ऊपर जाएगा और ये 10 कहाँ आएगा नीचे, सो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया 300/10, ये जीरो के साथ जीरो कट गई 30। अब स्टूडेंट आंसर किस में आएगा, हमें स्पीड किस में दे रखी है सेकंड में, तो ये टाइम भी किस में आएगा सेकंड में, क्या आंसर आ गया 30 सेकंड्स, ठीक है स्टूडेंट। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब कह रहा है यहाँ पे डिस्टेंस हेयर विल बी द सेम एज लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन किसको पास कर रही है पोल को, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी पोल को पार करने के लिए, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया 300 मीटर्स। तो क्या फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू क्या था डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या आएगा स्टूडेंट आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये टाइम ऊपर चला गया और ये स्पीड नीचे आ गई, ठीक है स्टूडेंट। टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 300, ये दे रखा है, और स्पीड कितनी है 10, ये रही, जीरो के साथ जीरो कट गई, आंसर किस में आ गया सेकंड्स में, क्योंकि हमें स्पीड किस में दे रखी थी सेकंड्स में, तो टाइम आ गया 30
सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है ए ट्रेन 300 मीटर्स लॉन्ग। अब लेंथ कितनी है स्टूडेंट ट्रेन की, 300 मीटर्स, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 50 मीटर। अब स्टूडेंट पोल को नहीं पास करना, किसको पास करना है, प्लेटफॉर्म को, किसको पास करना है, प्लेटफॉर्म को। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रेन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये आपका आ गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है, ठीक है स्टूडेंट, ट्रैवल कर रही है। अब कह रहा है ये प्लेटफॉर्म को पार कर गई, ये पार कर गई, ठीक है स्टूडेंट, ट्रेन पार कर गई, इसकी लेंथ है L1। अब स्टूडेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन, यहाँ से यहाँ जब आएगी, ये यहाँ आई, ये ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है, अब ये प्लेटफॉर्म को यहाँ पे क्या कर गई, पार कर गई। अब स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कितना कवर आया पार कर, जब पार किया तो स्टूडेंट एक तो ये इसने प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर की, क्योंकि इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, ये ट्रेन आ गई, ये इसने प्लेटफॉर्म को कवर किया, और फिर ये प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग एंड था, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये कौन सा एंड पॉइंट। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, अपनी लेंथ तो उसने कवर की है, ट्रेन ने अपनी लेंथ तो कवर की है, प्लस साथ में किसकी लेंथ कवर की है, प्लेटफॉर्म की भी। सो टोटल डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्योंकि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्या कर लिया है, पास कर दिया है। सो द डिस्टेंस हेयर विल बी द सेम एज द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो टोटल, क्योंकि ट्रेन ने क्या किया है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है, और ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, मतलब ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, अपनी जो लेंथ है ट्रेन की वो तो लेनी है, प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लेनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कितना डिस्टेंस आ गया, 300 मीटर ट्रेन की लेंथ है, 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है, टोटल कितना आ गया, 300 प्लस 50 कितना आ गया, 350 मीटर, कितना आ गया, 350 मीटर, और स्पीड हमें 10 मीटर पर सेकेंड मीटर्स में दे ही रखी है। इसका मतलब कुछ भी कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं करने, और हमें फॉर्मूला पता है टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया, 300 प्लस 50 कितना आ गया, 350, ओवर ये स्पीड कितनी है, 10, 10 के साथ डिवाइड कर दो, ये जीरो के साथ जीरो कट गई, आंसर क्या आ गया, 35, और आंसर आएगा किसमें, सेकंड्स में, क्योंकि आपको स्पीड सेकंड में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में, तो आंसर क्या आ गया, 35 सेकंड्स, ठीक है स्टूडेंट। समझ लगी पूरा क्वेश्चन, मेन इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितनी लेनी है, तो कितनी लेनी है, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन स्टूडेंट वैसे ही आ गया, कह रहा है 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिज ए 35 मीटर्स प्लेटफॉर्म। अगेन स्टूडेंट यहां पे डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 175 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 35 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, और टाइम यहाँ पे दे रखा है हमें, टाइम कितना स्टूडेंट आपका, 12 सेकंड्स, टोटल 12 सेकंड्स लगे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया। निकालना क्या स्टूडेंट हमने, स्पीड, और स्पीड का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकालिए, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 175, सॉरी ट्रेन की लेंथ कितनी है, 175, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 35, 175 प्लस 35, ये आ गया आपका स्टूडेंट आपका 210, और टाइम कितना लगा था, 12 सेकंड्स, ये टाइम की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दी, सो क्या आ गया, 21 ओवर 12। स्टूडेंट आया किसमें,
मीटर पर सेकंड में। किस में आया? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये डिस्टेंस किस में है? मीटर्स में। और टाइम किस में है? सेकंड्स में। तो जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी? मीटर्स पर सेकंड में। और लेकिन एग्जाम में वो क्या पूछ रहा है, किस में निकालो? किलोमीटर पर आवर में। हमारे पास क्या आई? स्पीड। स्पीड आई टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 175 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन थी, प्लस 35 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई, टोटल टाइम लगा 12 सेकंड्स। ये आपका आ गया 210 ओवर 12। आंसर किस में आया स्टूडेंट? मीटर पर सेकंड में। और मैं ये आपको कन्वर्जन फैक्टर में बता चुका हूँ कि मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मीटर पर सेकंड टू क्या बन गई आपकी? किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, सो 200/12 था, किस में था? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हमने क्या किया? 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर पर आवर में। तो बाय मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 18/5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा? 63। तो आंसर क्या आ गया? 63 किलोमीटर पर आवर, ये वाला सी आंसर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ तक स्टूडेंट आप अच्छी तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स आप समझ लो, करके देख लो एक बार अच्छी तरह से। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक।